प्रचलित गाना है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए देरी थी, लेकिन ये जो दोनों टीमें हैं दोनों जीत के साथ आ रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वालिफायर खेला जाएगा इन दोनों टीमों के मध्य, तो कैसी टीम हमें रखिएगा। इज माई ट्रिप YKS विंटर एडिशन सर्वाइवल राउंड का अंतिम मुकाबला भी इन दो टीमों का था। वहां पर पल्ली टस्कर्स ने 35-22 से मुकाबले में पटकनी दी थी मुरतल मैग्नेट्स को, और सिर्फ एक ही मुकाबला सर्वाइवल राउंड में मुरतल हारा था। अब ले चलते हैं आप सभी को बतलाने कि किस तरह से पल्ली टस्कर्स जो है फिर से तैयारी कर कर आएगा। ये के हरीश वहां पर रेडर थे, सोनू राठी वहां पर सिंगल थाई पर गए, जरूर कुराठी वहां पर अटैक करने गए थे। और ऐसा कोई खास वहां पर मिला है, वो गए हैं खाली हाथ। के हरीश की तरफ हम लगातार वहां पर अपडेट जो है हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। बट चलिए अभी अपडेट यही है कि मोनू वहां पर रेड पर आए हैं मुरतल मैग्नेट्स को डिफेंस में। सोनू राठी ने पहले ही वहां पर टैकल में शिकार बना लिया के हरीश को। बड़ी टीमों के बीच में बड़ा मुकाबला है ये, बड़े डिफेंडर्स होंगे, बड़े रेडर्स होंगे। इस बार राइट कवर से अटैक आया, राइट कवर का वहां पर अटैक आया। रमेश साहब जरूर मौजूद हैं और खुश हुए थे, जरूर सब्स्टिट्यूशन वहां पर होगा क्योंकि के हरीश बाहर जा रहे हैं, शायद दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति वहां पर अंदर आएंगे, बट मोनू को इस बार बाहर जाना पड़ा है। पल्ली ये बिल्कुल मोनो एक एक की बराबरी हो गई है। निक्रुबाई है, ये भी एक शानदार रेडर है। देखिए दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति वो अंदर इसीलिए आए हैं कि के हरीश को लग गया था चोट। निक्रुबा और पहली रेड में आते ही किसे शिकार बनाया है जसवे। टैकल की सक्सेस रेट देखते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस रेट है दोनों की ही, चाहे सोनू राठी की हम बात कर लें या फिर हम बात कर लें शक्तिवेल थंगवेलू की। यहां डू ऑर डाई रेडन अवनीत, यह मिली है सफलता यहां डू ऑर डाई रेड में। मुरतल मैग्नेट्स को पल्ली टस्कर्स को मिलेगा एक और पॉइंट यहां पर। दर्शक एंजॉय करते हुए इस शानदार खेल का, और जिस तरीके से ये जो खेल है वो घटित हुआ है, और अक्सर हम चर्चा करते हैं हर्षित आप कहते हैं और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो मिनटों में भी कभी कभी ऐसा खेल देखने को मिलता है, लेकिन ये जो दो बड़ी टीम है यहाँ पर टुक करके खेल रही है, यानी रोक रोक के, यानी पूरी डिफेंसिव गेम अपना यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन ऑल सीजन से सोनू राठी की बात करेंगे, 61.9% टैकल सक्सेस रेट, लेकिन यहाँ पर फंस गया है खिलाड़ी। एक फाइव स्टार डिफेंडर ने फाइव स्टार रेडर को एक फाइव स्टार चेन टैकल में धरा और दबोचा। देखिए कभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले नहीं आते हैं, और रोहित की भी मैं तारीफ करूंगा, सोनू ने जरिए थोड़ा सा और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर रेड लगाते हुए देखा गया। वन पॉइंट पल्ली टस्कर्स। सोनू राठी शायद रेफरी साहब से कह रहे थे कि हम रेडी नहीं थे, बट अगर आप रेडी नहीं थे, दो बार रेफरी ने कहा रेड और रेड, जी हाँ दो बार कहा, तो ये आपकी गलती है। खेल बचाए डू और डाई रेड देखने को मिलेगा, 5-3 का स्कोर है यहाँ पर। देखना है एक्शन में, अंकित शेरवा गए हैं पल्ली के शहर और उस शहर में लगाया है मांड। एक पॉइंट मिलेगा अंकित शेरवा को, अंकित शर्मा को मिलता हुआ पॉइंट कर। अब के हरीश के एब्सेंस में और द्राविड़ को अंदर बुलाया गया, ये अच्छे संकेत है। द्राविड़ भी एक अच्छे रेडर है, तेज तर्रार रेडर है, और अहमद अनसेकर यहाँ पर अंदर आए हैं। दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति का ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है टीम ने। पल्ली टस्कर्स थोड़ा ज्यादा समय तो करें बेंच पर बैठाते हुए नजर आई है। एम धनसेकर गए राइट कॉर्नर नहीं बल्कि राइट इन पर, राइट इन पर जाकर हैंड टच किया, जो यूजुअल नहीं होता है अक्सर। चेन दिख रहे हैं क्या, गजब का चेन वहां पर लग रहा था, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पर दोनों हाथों को पकड़ करके यहाँ पर शनि शिवकंद का इंतजार हो रहा है। शनि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, टीम के लिए रिवाइवल लाइए वरना टीम आपके पीछे चढ़ जाएगी। क्या बोनस दे दिया गया है, और शक्तिवेल थंगवेलू वहां पर कोई मौका नहीं दिया शनि को, और आवाजें आई हैं वहां पर दर्शकों की आवाजें आई है। नवनीत इसका अर्थ है कि पहली बार जब पल्ली ने मुरतल को ऑल आउट दे दिया है तो टीम के दर्शक बहुत खुश हैं। अंकित शर्मा का रिवाइवल नहीं मिल पाया ऑन टाइम, और इसी के चलते वहां पर मुरतल मैग्नेट्स ऑल आउट हो गई है। भी ला सकते हैं मुरतल के लिए, तो जिस नीति की आप बात कर रहे हैं ना, उस नीति को क्या मुरतल तोड़ सकती है यहाँ पर? बिल्कुल तोड़ सकती है, बिल्कुल उनके पास वो दमखम है।
और यहाँ पर एक अच्छी डुबकी रखाई, बहुत ही अच्छी डुबकी वहां पर नजर आई। एक बार जो हेड था वो उनके हाथ में आ गया था जी शिवा शक्ति के, बट उन्होंने ट्विस्ट करते हुए वहां पर अपने आप को निकाल दिया और एक अच्छा पॉइंट वहां पर। स्कोर में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं पल्ली के पास है 13 की। वहां पर जब टच हुआ तो उसके पश्चात राइट कॉर्नर के खिलाड़ी थे वो वहां पर आपको बाहर जाते हुए नजर आए, और एक टच के बाद जो है आप एंड लाइन के बाहर पूरा नहीं जा सकते हैं, अगर एक पैर आपका जाए तो वहां पर चल सकता है वो कार्य। अब यहां पर वो जो कार्य है वो भी कृपा करते हुए सोनू राय और अंकित शर्मा के लिए कोच साहब ने बताया था डुबकी आएगी, डुबकी आ सकती है और डिफेंडर्स संभल कर रहना चाहेंगे, शिवा शक्ति संभल कर रहना चाहेंगे, पी रंजीत संभल कर रहना चाहेंगे। डिफेंस की भाग दौड़ को कौन लीड करेगा, कौन वहां पर अटैक करने जाएगा या फिर डिफेंस जो है पीछे तरह से पूरा रहेगा। अंकित शर्मा ने अपने आप को बचाया और बचाने के बाद ताल ठोक कर डंके की चोट पर इस 7 नंबर जर्सी ने करिश्मा कर दिखाया। रिमेंबर द नेम अंकित शर्मा, इज माय ट्रिप कबड्डी का कमाल मोमेंट। सुपर रेड नहीं है, 6 अंकों की रेड है, 4 टच पॉइंट और बहुत ही कमाल का यहां पर ऑल आउट के 2 अंक, सुपड़ा साफ कर देने वाली रेड है। नवनीत दर्शकों को समझाते हैं कि क्या हुआ था। जी शिवा शक्ति का अटैक आया, पीर रजीत ने वहां पर कोशिश की बट पूरी तरह से पलटाने के बावजूद अंकित मुरथल मैग्नेट्स को एक ही रेड में नवनीत 2 अंकों से आगे ले आए। अंकित शर्मा अद्भुत, यह बिल्कुल मौसम बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया और पूरा जो शहर है पौंडीचेरी का उसको पूरी तरीके से बदल करके रख दिया, मैच का सिचुएशन बदल दिया और लीड पर आ गई है मुरथल मैग्नेट्स। बहरहाल थोड़ी सी उस लीड को करेंगे कम, देख रुबा एक और पॉइंट मिला है पल्ली टस्कर्स को, 17-16 का स्कोर यहां पर आया है, शानदार। अंकित शर्मा ने अपने लेग से वो प्रेशर और बनाया, ये तकनीक बहुत अच्छी है नवनीत, जो भी स्विमिंग सीखता है जब वो थोड़ा सा सीख जाता है, जब उसे एडवांस लेवल की स्विमिंग करनी होती है तो वो ये पैरों से फोर्स लगाना, इस तरह से फोर्स लगाना बहुत जरूरी बताते हैं कोचेज, और वैसा ही कार्य कबड्डी में लगाया अंकित शर्मा ने। डुबकी भी आई है, मुझे लगता है हमारे को प्रोड्यूसर को आज का इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट मिल चुका होगा। जी हाँ, वो जो 6 पॉइंटर रेड था, दोनों ही टीमों की क्या रणनीतियां हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे, बट यहाँ पर द्राविड़ आए हैं, अब टू और डायरेक्ट में उन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा और यहाँ पर अब ट्रेवल करके वो कितना अंदर जाएंगे देखना बेहद जरूरी होगा। तेजी के साथ टर्न किया है, ये है द्राविड़ की स्पेशलिटी, सोनू राठी को बीट करना नहीं है आसान, पर द्राविड़ की टर्न ने किया है इस बार। तो 20 और 19 का यहाँ पर स्कोर है, टू और डायरेक्ट है मोनू की तरफ से। मोनू टू और डायरेक्ट पर बोनस चुराने गए नवनीत, क्या लगता है यहाँ पर बोनस मिलेगा या फिर सिर्फ बोनस के लिए वहां पर ट्राई करेंगे? यहाँ ट्राई करने से पहले ही वहां पर उन पर ट्राई किया गया, उसका फायदा उन्हें मिला और स्कोर पहुंच जाएगा 20-20। 4 खिलाड़ी अभी भी मौजूद है मुरथल मैग्नेट्स के मांड में और देखिए क्या छलांग, बिल्कुल बिल्कुल नवनीत थंगवेलू। जब जब हम बड़े मैचेस की बात करते हैं तब तक वहां पर ही खिलाड़ी जो होता है वो तैयार होता है, और अब देखते हैं इस बड़े मैच में जो कि 21-20 का स्कोर है, मोनू को धरा जाता है, मोनू को दबोचा जाता है, राइट कवर की तरफ से अटैक आता है और इस कवर में फंसाया जाता है। मैच एक बार फिर से अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ता हुआ, कवर्स एक बार फिर से चेन अटैक की महत्वता को समझाते हुए, मोनू अच्छा कार्य नहीं करा है आज, जिस तरह की उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जरूर 3 रीडर्स मुरथल के पास हैं, चौथे रीडर के ऑप्शन को लुकआउट कर रहा था और द्राविड़ बाहर गए हैं, हरिवर्तन वहां पर अंदर आए, यानी कि डिफेंडर की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया रणनीति पर खेलता है पल्ली टस्कर्स, देखिए उन्हें पता है कि अब द्राविड़ साहब आपका कार्य हो चुका है, आपने आपकी टीम के लिए रेड में काम कर दिया है, अब काम करना है डिफेंडर्स को। हरिवर्तन को अंदर बुलाया, शक्ति वेल थंगवेलू के साथ अंकित शर्मा लड़ाकू है, ये खिलाड़ी नेवर गिव अप एटीट्यूड से आता है, ये खिलाड़ी मैच को जीतने के अंदाज लेकर आता है अंकित शर्मा, ये 7 नंबर जर्सी कबड्डी में अपना नाम को नंबर के साथ उजागर करता हुआ नजर आता है। यह अंकित इस मैच में सब कुछ दे रहे हैं लेकिन मेरा साथ नहीं दिया, बोले रहने दो मैच जीतना ज्यादा जरूरी है, साथ हम बाद में भी देंगे। एम धन शेखर आए हैं, एम धन शेखर पूरा वक्त लेंगे और सिर्फ छोड़ देंगे महज 10 सेकंड
और वहां पर मुर्सल मैग्नेट को चार पॉइंट वाले रेट लगाने पड़े। नहीं, यहां पर डू और डाई रेट है, डू और डाई रेट है। इसका मतलब है कि एम धनशेखर आखिरी वक्त में कमाल करके आ गए हैं। देखिए, अगर मुर्थल के पास अंकित है तो पल्ली के पास भी एम धनशेखर। जानते थे सोनू राठी की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से गए टच के और अंकित शर्मा को एक इजी टच पॉइंट मिला। 77 नंबर जर्सी ने अपने आप का सैक्रिफाइस किया। क्या मैच था, 24-28 का स्कोर। पल्ली टस्कर्स लगातार दूसरी बार यहाँ मुर्थल मैग्नेट्स को पटकनी देने जा रही। सदा थी 35-22 वहां पर स्कोर था और यहाँ पर शायद 28-24 के साथ समाप्त होगा। धनशेखर बहुत अच्छा आप खेले, वेल डिजर्विंग पॉइंट्स आपने आपकी टीम के लिए अर्जित किए हैं, और ये अंक जब आप अर्जित करते हैं तो आप अपनी टीम को वहां पर इम्पैक्टफुल और पाइवोटल रोल देते हैं। जरूर मुर्थल के लिए अंकित शर्मा ने सुपर 10 बनाया।